Good morning, children. Welcome to your online classes organized by RRP Group of School. Children, today I'm going to tell you a very good story from your moral science book. We know very well that in moral science book, various stories are given. From these stories, we are taught a lesson. We get a lesson or we get a teaching. So children, I am going to explain you a story through which you will get a teaching. Clear? So let us begin. The story name is The True Monk. What is monk? Now before starting to explain, let me give you the main characters of this story. The main characters are monk. What is monk? A preacher. A preacher means the person who teaches something. अच्छी अच्छी यहाँ mainly we are talking about Buddhism. Which religion? Buddhism. Buddhism की शिक्षा जो देते हैं उन्हें हम monk कहते हैं. We call them monk. And they live in five or three monk live together and they go from one place to another and they teach the teaching given by the Buddha. So in this story, monk is there and novices, a person new in job or unexperienced. जैसे एक master होता है, only one master is there. If he is dead, then they choose some monk to take his place. In this story also, the Lama is the title given to the person in Buddhism. Dharam Guru, जिसको कहते हैं Dharam Guru. तो Buddhism में जो Dharam Guru होता है, उनको जो title दिया जाता है, उसे कहते हैं Lama. So in this story, the Lama from South के Lama ने North के Lama को एक request भेजी. क्या request भेजी? कि हमारे यहाँ पे साउथ के जो लामा है, जो धर्म गुरु है, उनकी डेथ हो गई है और हमें उनकी जगह पर एक न्यू मॉन्क चाहिए जो उनको रिप्लेस कर सके, जो हमारा मास्टर बन सके. उन्होंने रिक्वेस्ट की थी तो नॉर्थ के लामा ने फाइव मॉन्क्स को कॉल किया, पांच मॉन्क को बुलाया एंड उनको ऑर्डर दिया कि आप एक लॉन्ग जर्नी पर जाइए और उन्होंने एक अपना मैसेज भेजा कि ये मैसेज नॉर्थ तक पहुंचा कर मुझे आकर फिर से रिपोर्ट कीजिए. ऑल द फाइव मॉन्क्स दे अग्री कर गए कि ठीक है. एक नेबर, कुछ लोग भी वहां खड़े थे, दे आस्क्ड कि अरे आपको एक की जरूरत है और आप पांच पांच मॉन्क को भेज रहे हैं, एक मॉन्क को ही भेजिए, आप उनकी एक ही मास्टर बनेगा. तो लामा ने क्या कहा, आप देखिए मैं पांच को भेज रहा हूँ एंड आई एम वेटिंग कि ये पांचों में से कोई एक भी वापस आता है कि नहीं. इन दिस वे ही इज गोइंग टू उनकी परीक्षा लेने जा रहे हैं, ही इज गोइंग टू एग्जामिन देम. तो उन्होंने पांचों मॉन्क को भेजा कि गो ऑन अ लॉन्ग जर्नी एंड कम बैक टू मी. सो ऑल द फाइव मॉन्क्स दे स्टार्टेड देयर जर्नी. व्हेन दे वेंट ऑन देयर जर्नी दे केम टू अ विलेज. एक विलेज में पहुंचे, द प्रीस्ट डाइड. उस विलेज का जो प्रीस्ट था ही वॉज डेड, वो मर चुका था. जब ये पांचों मॉन्क पहुंचे, ऑल द विलेजर्स आस्क्ड द मॉन्क टू स्टे बैक इन देयर विलेज. उन्होंने बोला आप यहाँ रुक जाइए, हमारे प्रीस्ट की डेथ हो गई है, हम चाहते हैं कि आप में से एक जन हमारे प्रीस्ट की जगह है ले और हमारे विलेजर्स को टीचिंग दे. तो फाइव में से एक मॉन्क, आउट ऑफ फाइव वन मॉन्क डिसाइडेड टू स्टे बैक हियर एंड ही डिसाइडेड टू हेल्प द विलेजर्स. तो एक रुक गया वहां पर. अब फोर मॉन्क्स थे, दे स्टार्टेड देयर जर्नी. आगे बढ़े आगे बढ़े, दे केम टू अ किंगडम. किंगडम में किंग ने उन चारों मॉन्क को इन्वाइट किया अपने पैलेस से, उनका आदर सत्कार किया एंड देन किंग रिक्वेस्टेड one of the monks to marry his daughter. King ने बोला कि प्लीज आप में से एक मॉन्क मेरी डॉटर के साथ मैरिज कर लो
और मेरी किंगडम को संभालो। अब उसमें चार मॉन्क में से एक मॉन्क को लालच आ गया कि अगर मैं उसकी डॉटर से शादी कर लेता हूँ तो इतने बड़े राज्य का, इतने बड़े किंगडम का मैं मालिक बन जाऊंगा एंड आई विल लिव हैप्पीली। सो वन ऑफ द मॉन्क अगेन ही स्टेड बैक हियर एंड ही मैरिड द किंग्स डॉटर। नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट? थ्री मॉन्क्स आर लेफ्ट। दे स्टार्टेड देयर जर्नी, दे बिगन देयर जर्नी अगेन एंड they came to a hut. There they saw a girl was living alone and her parents were killed by some people of the mountain area. She requested, the girl requested, please stay here, one of you stay here to help me. So from three out of one decided to stay back with the girl and help her. Now how many are left? Only two monks are left. They started their journey. And now they came to another village. Here, first all the people, they were following Buddhists. But now nobody were following there. So one of the monks thought that I should stay back here and teach the people the teachings given by Buddha. In this way, the fourth monk also stay back here. Now only one monk was left and he completed his journey and went back to Lama of South. And the one monk who went to the Lama of South was selected as the Lama of North. जो एक monk last में बच गया, जो वापस आया, उसी को नॉर्थ का लामा धर्मगुरु बना दिया गया। तो पांच मॉन्क में से सबसे टू मॉन्क कौन था? द ओनली दैट मॉन्क वॉज द टू हु वेंट बैक टू हिज मास्टर, क्योंकि मास्टर ने कहा था कि जाके जर्नी कंप्लीट करके कम बैक, लेकिन और सभी चारों मॉन्क ने उनकी बात नहीं मानी, दे स्टेड बैक एंड ओनली वन केम बैक। इन दिस वे he was able to choose the correct monk. Hope children, the story is clear to you. Okay, in the next class I will again tell you a new story and we will also learn something from that story. Till then, thank you and goodbye.